आज मैं आपको लेकर आ गया मुंबई के उल्लासनगर के सिंधी कॉलोनी में, और आज यहाँ पे ट्राई करने जा रहे हैं सिंधी ब्रेकफास्ट दाल पकवान। इनका जो दाल पकवान है पूरे उल्लासनगर में बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो चलिए चलते हैं इनके दाल पकवान की मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। हरीश कलेरिया। तो सर कितना टाइम हो गया इस दुकान को? यहाँ पे दुकान 38 साल हो गया। 38। तो सर क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पर मॉर्निंग में दाल पकवान, मसाला सैंडविच, खीरा मालपुरा, वड़ा, भजिया, समोसा, ढोकला मॉर्निंग में। ऐसी क्या खास बात है कि लोग इतना पसंद करते हैं दाल पकवान? पसंद यही है, मालिक की मेहर है। टेस्ट और क्वालिटी एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हम लोग खुद बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं, खुद हम सेल्समैन हैं। तो कितनी वैरायटी की दाल रहती है? तीन वैरायटी की दाल, मूंग की दाल, येलो कलर चने की दाल। तो तीनों को मिक्स करके यहाँ पे, तीनों को मिक्स खाने बढ़िया लगता है। और चटनी कौन सी रहती है सर? चटनी बस हरा धनिया की, पालक की, पुदीने की, मिर्ची की, इमली की। प्राइस कितना रहता है दाल पकवान का? 45 वन पीस है। सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं यहाँ? यहाँ से सब पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैंने सुना बहुत भीड़ लग जाती है नाश्ते के लिए, लोग यहाँ पे लाइनें लगाते हैं। हाँ तो सोमवार संडे को आते थे और इसकी टेबल भीड़ थी। टेबल थी भाई। शाम का अलग वैरायटी है, समोसा, चीज रोल, सोयाबीन का पेटीज, बी की टिक्की, गुलाब जामुन, खांडवी ढोकला, और शाम को 5 से 10 बजे। तो साथ में क्या रहता है? मालपुआ। ये सीरा मालपुआ है, रवा सूजी का। ये भी लोग क्या पसंद करते हैं? सब पसंद करते हैं, इंसान को प्यार हो गया सब पसंद करते हैं ना, वो चाहे कैसी भी लड़की होए, कैसा भी लड़का होए, प्यार हो गया ना। और दुकान की टाइमिंग क्या रहती है? दुकान का सवेरे 7 से लेके 1 बजे तक, शाम को 5 से 10 तक। और हफ्ते में कितने दिन खुली रहती है दुकान? 365 दिन साल में चालू रहती है, सिर्फ साल में एक बार बंद रहती है। हम लोग का त्यौहार रहता है सिंधी लोगों का, थदरी, बंद रहती है। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे दाल पकवान खाने के लिए। दाल पकवान बस सीएसएम कॉलेज, सी संतूर बिल्डिंग नियर धोली नाश्ता। मस्त बढ़िया बनाया है। पहला मूंग आएगा, फिर येलो कलर आएगा, फिर चने की दाल आएगी। हाँ, लाल लाल काला मिर्ची, चटनी, कांदा, उसके ऊपर आलू के पकौड़े। ये आपका डिश बन गया, अब इसको खा सकते हो। तो कितने रुपये की प्लेट होती है? ये भी 50 रुपीज़ है। तो फाइनली उल्लासनगर की फेमस डोली नाश्ता का यहाँ पे दाल पकवान लग चुका है। तो ये है इनका दाल पकवान। तो पकवान एकदम इन्होंने साबुत दिया हुआ है, कई लोग इसके ऊपर दाल डाल के देते हैं, इन्होंने यहाँ पे दाल अलग से डाल के दी है। तो तीन वैरायटी की इन्होंने दाल यूज़ की है, ऊपर से देखो आलू डाला है, चुकंदर डाला है, ग्रीन चटनी डाली है, प्याज डाला है, काफ़ी सारी चीज़ें। और इसके साथ इन्होंने दिए दाल सैंडविच। तो इन्होंने ब्रेड को अच्छे से दाल में डिप करके तीन वैरायटी की दाल डाली हुई है, चटनी डाली हुई है, और ऊपर से है आलू की भाजी। तो चलिए इनका दाल पकवान टेस्ट करते हैं। तो तीनों दालों को अच्छे से मिला के चटनी को मिक्स करके इसको टेस्ट कर लेंगे। तो इनका दाल पकवान बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, एकदम सुबह सुबह दाल पकवान खा के मज़ा ही आ गया। जो उन्होंने तीन वैरायटी की दाल डाली है, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, साथ में जो ग्रीन चटनी डाली है उससे हल्का सा खट्टापन आ रहा है। तो अगर आप भी उल्लासनगर रहते हो, विजिट कर रहे हो, तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिए। बात के लिए इसकी प्राइस की, पहले 45 रुपीज़ में आपको बढ़िया सा यहाँ पे दाल पकवान खाने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे दाल सैंडविच भी लगवा सकते हो। तो इसको भी यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। तो इनका दाल सैंडविच काफ़ी टेस्टी हो रहा है। बात करें इसकी प्राइस की, इसका प्राइस होता है 40 रुपीज़। तो अगर आप भी मुंबई में रहते हो, सिंधी ब्रेकफास्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आके बढ़िया से 40-45 में नाश्ता कर सकते हो। तो इस दाल पकवान को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।